एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे नए वीडियो को देख सकें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप अपने एटीएम कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग में, बिल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, फ़ंड ट्रांसफ़र या ऑनलाइन वेबसाइट में यूज करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। आप जितने भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो उस ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए बैंक आपको लॉयल्टी पॉइंट्स देती है। उस लॉयल्टी पॉइंट्स को आप रिडीम करके उसका बिल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज या अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक प्ले स्टोर में जाकर मोबीक्विक मोबीक्विक ऐप को इंस्टॉल करना है। तो मेरा यह ऐप पहले से इंस्टॉल है तो मुझे केवल इसे ओपन करना है, लेकिन आप इसे इंस्टॉल कर लें। तो इसके इंस्टॉल होने के बाद यह कुछ इस तरह का आइकॉन दिखेगा आपको, इसे खोलना है। इसे खोलने के बाद आपको अपना कोई भी मोबाइल नंबर जिसे आपको अपना मोबीक्विक में अकाउंट बनाना है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास पहले से मोबीक्विक अकाउंट है तो या आप स्किप करके यहाँ से लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं। तो न्यू यूज़र के लिए अपना ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बना लेना है। तो न्यू जैसे कि मैं पहले से मोबाइल की यूज़र हूँ तो मुझे इसमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ से लॉगिन में जाना है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूज़र में अपना मोबाइल नंबर या ईमेल जो आपका पहले से मोबीक्विक में लॉगिन है उसमें सेंड ओटीपी में करना है। आपको अपने मोबाइल में ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल देना है। तो यहाँ से आपको अपना मोबीक्विक अकाउंट खुल जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि मेरे मोबीक्विक में केवल 8 रुपये बैलेंस है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो उस एटीएम कार्ड के लॉयल्टी पॉइंट्स को आप मोबीक्विक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबीक्विक में ये ऑफ़र लिखा हुआ दिख रहा है, इस ऑफ़र में क्लिक करना है। इसमें से ऑनलाइन ऑफ़र में जाना है। ऑनलाइन ऑफ़र में जाने के बाद आपको इसे लेफ़्ट साइड में स्लाइड करना है। स्लाइड करते करते आपको यहाँ पर बैंकिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस बैंकिंग के ऑप्शन में जाकर नीचे आकर कन्वर्ट्स लॉयल्टी पॉइंट्स टू मोबीक्विक कैश में जाना है। यहाँ पर आपको अपना कन्वर्ट योर पॉइंट्स करना है। कन्वर्ट पॉइंट करने के बाद आपको पेबैक और मैक्स गेट मोर दिख रहा होगा। तो आप मैक्स गेट मोर में जाना है। यहाँ से आपको प्लस का चिन्ह दिख रहा है। इस प्लस के चिन्ह पर जाकर आपको अपने एटीएम कार्ड नंबर और जो आपके बैंक के साथ मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस नंबर को डालना है। तो आप अपने एटीएम नंबर और मोबाइल नंबर को जैसे ही डालकर नेक्स्ट करते हैं तो आपको अपने पॉइंट्स की जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे एटीएम में 48 पॉइंट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब कि 48 पॉइंट्स के 12 रुपये मुझे अपने अकाउंट में मिल जाएंगे। आपको 4 पॉइंट्स पर 1 रुपये मिलते हैं। तो मेरे अकाउंट में 48 पॉइंट है, इसके मुझे 12 रुपये मिलेंगे। इसमें आपको रिडीम अमाउंट कर देना है। रिडीम अमाउंट में आपके जो मोबाइल नंबर आपके बैंक के साथ रजिस्टर है उसमें ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ डालकर वेरीफाई करने के साथ ही आपके जो बैलेंस है वो आपके मोबीक्विक वॉलेट में आ जाएंगे। तो इस तरह आपके जितने भी एटीएम हैं उसके लॉयल्टी पॉइंट्स को आप अपने मोबीक्विक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे नए वीडियो को देख सकें।